वाराणसी की मंडियों में सब्जियों के दाम में 10 से 20 रुपए की कमी आ गई है। आपको बता दें कि हरी सब्जियों के दाम पहले ही कम थे। सामान्य सब्जियों में आलू और प्याज के रेट में भी कोई बदलाव नहीं आया, अभी भी 20 से 25 रुपए किलो बिक रहे हैं। वहीं बैंगन का दाम 40 रुपए प्रति किलो से 30 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। परवल और टमाटर 40 से 50 रुपए किलो मिल रहा है। आपको बता दें कि शहर के प्रमुख मंडियां सुंदरपुर, पहाड़िया, विश्वेश्वर, गज में आलू 15 रुपए किलो तो वहीं प्याज 18 से 20 रुपए किलो और टमाटर 35 से 40 रुपए किलो बिक रहा है। मूली 30 रुपए, करेला 30 रुपए और हरी मिर्च 40 रुपए किलो के हिसाब से बेची जा रही है। लंका स्थित सब्जी व्यवसायी दिनेश सोनकर ने बताया कि बारिश के बाद सब्जियों के रेट बढ़ सकते हैं। इससे पहले किसान कम दाम पर सब्जियां निकालने की जद्दोजहद में लगे हैं, इसलिए सब्जियों के रेट में फिलहाल थोड़ी कमी आई है। तो वहीं फलों में आम और लीची के अलावा सभी के भाव आसमान पर हैं। मंडियों में दशहरी आम 50 से 60 रुपए किलो तो वहीं फुटकर बाजार में 80 से 90 रुपए किलो है। सेब 180 और अनार 160 रुपए प्रति किलो है। पहाड़िया मंडी के फल व्यापारी किशन सोनकर ने बताया कि मंडियों में आम की सप्लाई काफ़ी बढ़ गई है, इससे आम भविष्य में और सस्ता हो सकता है। वहीं सेब और अनार मांग के अनुसार स्टॉक में नहीं है, तो इस वजह से इन फलों पर महंगाई की मार पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।